देश में संक्रमण रोकने के लिए जारी लॉकडाउन को एक महीना हो गया है, लेकिन अभी भी संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि देश और प्रदेश में संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन कोई स्थायी समाधान नहीं है, उसे एक दिन खत्म जरूर करना होगा। उसके लिए प्रधानमंत्री को सभी राज्यों से वार्ता कर उनके विचार लेकर स्थायी समाधान निकालना चाहिए, लेकिन इस समय पूरे देश में चिकित्सा सुविधा बढ़ाना चाहिए। इसके लिए राजस्थान ने उचित कदम उठाए हैं। लेकिन लॉकडाउन इस समस्या का समाधान नहीं है मेरी नजर में। अल्टीमेटली हम कितने दिन तक देश को लॉकडाउन में रखेंगे या प्रदेश को लॉकडाउन में रखेंगे, स्थितियां हमको, ये जो लॉकडाउन का पीरियड है ये हमारे लिए एक अवसर है। जैसा हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि आप अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करो, आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाओ आप, ताकि आपके सामने जो चुनौती है उसका बेहतर तरीके से आप मुकाबला कर सको। लेकिन लॉकडाउन तो परमानेंट समस्या तो समाधान तो नहीं है। लॉकडाउन तो आपको अल्टीमेटली लॉकडाउन तो एक ना एक दिन खत्म करना ही पड़ेगा। अब किस तरीके से आप खत्म करते हो उस पर अलग अलग राज्यों के विचार लेके फैसला तो प्रधानमंत्री जी को करना है, लेकिन आम जनता अब अपने घरों में दीवारों में कैद रह के 40 दिन से ज्यादा हो जाएंगे 3 तारीख को उनको, ऐसी परिस्थिति में क्या ये स्थायी समाधान है लॉकडाउन या एकमात्र समाधान है, इस पे विचार होना चाहिए पूरे देश के अंदर। और किस रूप में इसको विड्रॉ करें, एकदम करते हैं या इसको फेज मैनर में विड्रॉ करते हैं, इस पे भी विचार होना चाहिए। लेकिन ये जो अवसर मिला है, हमारा मानना है कि इसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम पूरे देश में किया।